सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने थ्री फेस या पॉलीफेस सिस्टम पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया है, जो कि है थ्री सिमिलर कॉइल्स ए बी एंड सी आर अवेलेबल। ईच कॉइल हैज़ 9 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 ओम रिएक्टेंस। दे आर कनेक्टेड इन डेल्टा 2 और 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट सप्लाई। कैलकुलेट फॉर दिस लोड द लाइन करेंट, द पावर फैक्टर, द टोटल किलो वोल्ट एम्पियर एंड टोटल किलोवाट्स। तो हम लोगों को यहाँ पर दिए हुए लोड के लिए कितना लोड दिया हुआ है, 9 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 ओम रिएक्टेंस, उस पर हम लोगों को कितना सप्लाई दिया हुआ है, 440 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। और इस पर साथ ही साथ हम लोगों को डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटी के रिलेशनशिप को यूज़ करके 4 अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 ओम। तो लिख लेते हैं R इज इक्वल टू 9 ओम और रिएक्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 ओम। तो लिख लेंगे X इज इक्वल टू 12 ओम और लाइन वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 440 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। अब हम लोग R और X का यूज़ करके, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का यूज़ करके पर फेस इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या फार्मूला लगा सकते हैं, जेट पी एच इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इस पे आर और एक्स के वैल्यू को पुट करेंगे, तो आर के जगह कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और एक्स के जगह में कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पर फेस इम्पीडेंस का वैल्यू कितना मिलेगा, 15 ओम मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन पे लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के रिलेशनशिप को यूज़ करके इस लाइन वोल्टेज को फेस वोल्टेज में चेंज करेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या होता है, VL इज इक्वल टू VPH। तो VPH का भी वैल्यू कितना होगा, 440 वोल्ट। अब हम लोग VPH और ZPH का यूज़ करके पर फेस करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, IPH इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH। तो अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, VPH का वैल्यू कितना है, 440 वोल्ट और ZPH का वैल्यू कितना है, 15 ओम। जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो पर फेस करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, 29.33 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर डेल्टा कनेक्शन के लिए करंट पे रिलेशनशिप का यूज़ करके लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटी के लिए क्या होगा, IL इज इक्वल टू अंडर रूट 3 IPH। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 3 इंटू 29.33। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो लाइन करंट का वैल्यू मिलेगा 50.806 एम्पियर। अब हम लोग सेकेंड क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे,
जो कि क्या है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस फाई इज इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोड के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 ओम, और पर फेस इम्पीडेंस का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, 15 ओम। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो पावर फैक्टर का वैल्यू मिलेगा 0.6। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल किलोवाट और किलो वोल्ट एम्पियर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर हम लोगों को लाइन करंट का यूज़ करना होगा, लाइन वोल्टेज का यूज़ करना होगा और पावर फैक्टर के वैल्यू को यूज़ करना होगा। तो आइए देखते हैं कि बाकी दो क्वांटिटी का वैल्यू हम लोगों को कितना और क्या मिलेगा। टोटल किलो वोल्ट एम्पियर के लिए हम लोगों को कौन सा फार्मूला लगाना होगा, अपीरेंट पावर का। अपीरेंट पावर का लाइन के टर्म्स में क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट 3 वी एल आई एल। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट 3 लाइन वोल्टेज के जगह 440 और लाइन करंट के जगह 50.806। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे और किलो वोल्ट एम्पियर पे चेंज करके लिखेंगे। तो इसका आंसर मिलेगा 38.719 किलो वोल्ट एम्पियर। अब हम लोग इसी प्रकार से टोटल किलो वाट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को एक्टिव पावर के फार्मूले को लगाना होगा। तो एक्टिव पावर का फार्मूला होता है लाइन के टर्म्स में अंडर रूट 3 वी एल आई एल कॉस फाई। अब वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट 3 440 वी एल के जगह आई एल के जगह 50.806 और कॉस फाई के जगह 0.6। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और किलो वोल्ट पे चेंज करके लिखेंगे। तो इसका आंसर मिलेगा 23.23 किलो वॉट। तो यहाँ पर हमारा आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने देखा और सीखा कि कैसे डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटी के रिलेशनशिप को यूज़ करके पावर फैक्टर, अपीरेंट पावर और एक्टिव पावर के वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।